अरे इधर आ गए चाहिए ईमानदारी काम और ईमान की जीत है ये। और जो पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है एक साधारण से व्यक्ति को, इसका निर्वाह करते हुए जम्मू की जनता का पूरा, उनकी आकांक्षा का और उनकी जो समस्याएं हैं उनका ध्यान में रखते हुए मैं काम करने का प्रयत्न करूंगा। और ये जो दायित्व मिला है ये एक बड़े साधारण से और छोटे से व्यक्ति को मिला है और मैं पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निचले स्तर के व्यक्ति पे भी ये हाथ रखा और ये व्यक्ति भी उनको निराश नहीं करेगा और उनकी आशाओं पर पूरा खरा उतरेगा। चाहे ईमानदारी काम और ईमान की जीत है ये। और जो पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है एक साधारण से व्यक्ति को, इसका निर्वाह करते हुए जम्मू की जनता का पूरा, उनकी आकांक्षा का और उनकी जो समस्याएं हैं उनका ध्यान में रखते हुए मैं काम करने का प्रयत्न करूंगा। और ये जो दायित्व मिला है ये एक बड़े साधारण से और छोटे से व्यक्ति को मिला है और मैं पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निचले स्तर के व्यक्ति पे भी ये हाथ रखा और ये व्यक्ति भी उनको निराश नहीं करेगा और उनकी आशाओं पर पूरा खरा उतरेगा। चाहे ईमानदारी काम और ईमान की जीत है ये। और जो पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है एक साधारण से व्यक्ति को, इसका निर्वाह करते हुए जम्मू की जनता का पूरा, उनकी आकांक्षा का और उनकी जो समस्याएं हैं उनका ध्यान में रखते हुए मैं काम करने का प्रयत्न करूंगा। और ये जो दायित्व मिला है ये एक बड़े साधारण से और छोटे से व्यक्ति को मिला है और मैं पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निचले स्तर के व्यक्ति पे भी ये हाथ रखा और ये व्यक्ति भी उनको निराश नहीं करेगा और उनकी आशाओं पर पूरा खरा उतरेगा। चाहे ईमानदारी काम और ईमान की जीत है ये। और जो पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है एक साधारण से व्यक्ति को, इसका निर्वाह करते हुए जम्मू की जनता का पूरा, उनकी आकांक्षा का और उनकी जो समस्याएं हैं उनका ध्यान में रखते हुए मैं काम करने का प्रयत्न करूंगा। और ये जो दायित्व मिला है ये एक बड़े साधारण से और छोटे से व्यक्ति को मिला है और मैं पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निचले स्तर के व्यक्ति पे भी ये हाथ रखा और ये व्यक्ति भी उनको निराश नहीं करेगा और उनकी आशाओं पर पूरा खरा उतरेगा।